बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को कंटिन्यू करते, उसका सेकंड शेल जो होता है इंटीरियर में, इसको हम मेंटल कहते हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज मेंटल। और यहाँ फिगर आप जो देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर, ओके, मेंटल इज द सेकेंड मेजर शेल ऑफ द अर्थ। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्राम द बेस ऑफ द क्रस्ट, ओके, दैट इज मेंटल को दिस क्रस्ट बाउंड्री, जिसको हम मोहरो बेसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो कहते हैं, ओके, अप टू अबाउट 2900 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज नोन एज मेंटल, द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ द अर्थ। सो पी और एस वेव्स की मदद से ये रिकॉर्ड किया गया, ये देखा गया कि यूं ही जो पी और एस वेव्स लोअर क्रस्ट से बाहर निकल के या मोहरोबेसिक डिसकंटिन्यूटी या मोह से नीचे जब चले जाते हैं डेप्थ में, तो सडनली वहाँ पे वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो ये अज्यूम किया गया कि जो मेंटल है उसमें जो रॉक्स हैं, ओके, वो ओवरलाइंग क्रस्टल रॉक से डेंसर हैं। जो अपर मेंटल में जो रॉक्स में डेंसिटी रिकॉर्ड की गई या पाई जाती है, दैट इज 3.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और लोअर क्रस्ट में जो है नियरली 2.9 to 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ओके, सो क्रस्ट तो हमने पढ़ा है। सो जब नीचे हम मेंटल में देखते हैं, तो ये देखा गया है कि नीचे जो लोअर मेंटल में फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 1000 or 1100 किलोमीटर्स नीचे जो वेलोसिटी है पी और एस वेव्स की, वो और इंक्रीज हो जाती है। इट स्पीड्स अप, इट एक्सेलरेट्स। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ द मिनरल, इट इज़ मोर, इट गेट्स इंक्रीज, डेंसिटी गेट्स इंक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, मोर एंड मोर डेंसर लेयर, डेंसर रॉक्स आर फाउंड इन दी डीपर लेयर्स आर डीपर लेवल्स ऑफ द मेंटल। ओके, सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दीज आर दीज पी एंड एस वेव्स, द स्पीड ऑफ द एक्सेलरेटर वेलोसिटी इंक्रीजेज, एंड इट हैज़ बीन अज्यूम्ड और इट हैज़ बीन लॉजिकली फाउंड और कंक्लूडेड दैट दिस लोअर मेंटल, ओके, यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं उनमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है रॉक्स की मिनरल्स में, दैट इज़ अबाउट 5.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, जो अपर मेंटल में 3.3 और नीचे लोअर लेवल्स में जो है इंक्रीज ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, नियरली डबल, 5.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट द बेस ऑफ द मेंटल। सो इसी के बेस पे मेंटल को फिर डिवाइड किया गया कि ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, ओके, जिसकी बाउंड्री जो है अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर के आसपास जो है बाउंड्री जो डिमार्केट की गई है, इसके ऊपर अपर मेंटल, ओके, देन लोअर मेंटल। और ये जो रॉक्स जो रॉक कंपोजिशन मेंटल में जो जनरली रॉक्स में पाएगी, दैट इज इसमें जो है मोस्टली अल्ट्रा बेसिक रॉक्स जो हैं उनकी कंपोजिशन जो है अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन है। ओके, अल्ट्रा बेसिक मीन विच आर सिलिका डेफिशिएंट, लेस देन 45% में सिलिका होता है, SiO2 क्वार्ट्ज जिसको हम कहेंगे सिलिका रॉक्स में होता है, मोस्टली आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, पर्टिकुलर पोटेशियम वगैरह सिलिकेट्स होते हैं रॉक्स में। सो रॉक्स में जो जिस मेंटल में जो रॉक्स पाए जाते हैं उनकी जो कंपोजिशन अल्ट्रा बेसिक रॉक्स हैं, एंड those rocks are similar to those rocks are known as rather peridotites, जो rocks mantle में पाई जाती है उनकी composition जो है that is ultra basic, and जो rocks mostly पाई जाती हैं rocks में वो peridotite rocks उनको कहते हैं। so आप जिस तरह granite और basalt आपने upper और lower crust में देखा, यहाँ पर जो rocks हैं वो peridotite rocks जो हैं, ओके, दिस पेरिडोटाइट रॉक्स आर सिमिलर टू अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ये मिनरल कंपोजिशन है रॉक्स की, और रॉक टाइप जो है अल्ट्रा बेसिक मोस्टली है। फिर ड्यूनाइट भी होता है,
वो भी अल्ट्रा बेसिक रॉक या ग्रीनिश कलर ये रॉक्स होती हैं। सो जो सिस्मिक स्टडी से एक और जो पॉइंट या एक और जो रेवलेशन ओबटेन की गई या पता चला साइंटिस्ट को सिस्मोलॉजिस्ट को, जो अपर मेंटल है, ओके दिस इज क्रस्ट अपर क्रस्ट, दिस लोअर क्रस्ट, ये बाउंड्री है मोहरोविसिक बाउंड्री, ओके ये वाला, ओके इतना जो यहाँ पर मैंने दिखा है दिस इज क्रस्ट। तो उसके नीचे जो मेंटल स्टार्ट होता है, जो अपर पार्ट मेंटल का है, ओके फ्रॉम अबाउट 100 किलोमीटर्स दिस अप टू 500 किलोमीटर्स, ये वाला जो पार्ट है जो उसको मैंने डैश डैश दिस वन, ओके दिस रीजन इन द सब सरफेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम 100 किलोमीटर्स ओके अप टू 500 किलोमीटर, दैट मीन्स इसकी थिकनेस जो है दैट इज़ अबाउट 300 ओके 300 किलोमीटर्स जो थिकनेस है अपर मेंटल में, एक जोन है एक रीजन है जिसमें रॉक सॉलिड नहीं है, ये भी मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है लेकिन ये रिजिड है सॉलिड है। इसके नीचे 100 से 500 तक जो रॉक्स हैं वो सॉलिड नहीं है बल्कि वो पार्शली मोल्टन रॉक्स हैं, प्लास्टिक स्टेट में रॉक्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वर्चुअली दे हैव गॉट नो स्ट्रेंथ ओके। इसलिए इस जोन को जो है जोन ऑफ वीकनेस या जोन ऑफ नो स्ट्रेंथ ओके विच रॉक्स आर इन प्लास्टिक स्टेट आर पार्शियली मोल्टन स्टेट, इसको जो नाम दिया गया एस्थिनोस में से वर्ड निकाला है, एस्थिनोस मीन्स वीक जोन हैविंग नो स्ट्रेंथ, इसी को हम एस्थिनोसफियर कहते हैं। सो एस्थिनोसफियर इज़ अ जोन आर रीजन विच स्टार्ट फ्राम 100 अप टू 500 किलोमीटर्स एंड इन दिस जोन रॉक्स आर इन पार्शियल मोल्टन स्टेट ओके विच इज हैविंग विच आर हैविंग वर्चुअली नो स्ट्रेंथ, दैट इज़ वाई दिस जोन हैज़ बीन नेम्ड एज एस्थिनोसफियर विदाउट स्ट्रेंथ आर वीक जोन ओके। इसी जोन में जब पी और एस वेलोसिटी पहुंचती है तो उनमें थोड़ा रिटार्डेशन होती है, थोड़ी सी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इस जोन को जो है इसको एल वी जेड भी कहा जाता है, एल वी जेड लेयर भी उसका नाम दिया जाता है या एल वी जेड जोन, लो वेलोसिटी लेयर ओके जोन, लो वेलोसिटी लेयर और लो वेलोसिटी जोन एल वी जेड इसको शॉर्ट में कहते हैं ओके। लो वेलोसिटी लेयर लो वेलोसिटी जोन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो इस रीजन में रॉक्स की स्ट्रेंथ नहीं है, ऑलमोस्ट वो पार्शियली मोल्टन स्टेट में प्लास्टिक स्टेट में है और वेलोसिटी जो है पी और एस वेव्स की डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़ इसको हम लो वेलोसिटी लेयर कहते हैं। एक शैलो लेयर है विद इन द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मेंटल फ्राम 100 to 500 किलोमीटर्स और इसको हम लो वेलोसिटी जोन इसलिए एल वी जेड जोन भी कहते हैं। और जो मोस्ट क्योंकि ये पार्शियली मोल्टन स्टेट में है और जो मोस्ट जो है इग्नियस एक्टिविटी इस सरफेस पे होती है, अर्थ सरफेस जो भी इग्नियस मच ऑफ दैट इग्नियस एक्टिविटी ओके इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जोन ओके। जो भी प्रोसेस इससे रिलेटेड है इग्नियस एक्टिविटी से, इग्नियस प्रोसेस इट इज़ बिलीव टू बी ओके द सोर्स, दैट मीन्स द सोर्स ऑफ दिस वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैनी अदर प्रोसेस, इट इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्राम एस्थिनोसफियर। और जो भी बेसाल्ट या ओशियंस में जो भी बेसाल्ट सप्लाई होता है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान ओके वो इसी जोन से आता है एस्थिनोसफियर से। एंड सेकंड मोस्ट पॉइंट इज़ एक तो बेसाल्ट इसमें ओरिजिनेट होते हैं, मोस्ट इग्नियस एक्टिविटी अर्थ पे जो है वो इसी से जो है ये सोर्स है एस्थिनोसफियर ही सोर्स है। दैन दिस एस्थिनोसफियर इट इज़ बिलीव टू बी लोकेटेड इंटायरली इन द अपर मेंटल, जो मैंने आपको कहा था 100 to 500 किलोमीटर्स एंड दिस एस्थिनोसफियर इट सपोर्ट्स वाट इट सपोर्ट्स द स्लोली मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स स्लोली जो मोबाइल प्लेट्स हैं मोबाइल पार्ट्स है क्रस्ट लिथोसफियर के ओके जो स्लोली मूव करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर आर अवे फ्राम ईच अदर ओके। तो दी स्लोली मूविंग प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको हम कहते हैं ओके दीज टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर बिलीव टू बी सपोर्टेड ओके एनर्जी सपोर्ट सप्लाई फ्राम दिस एस्थिनोसफियर। और यहाँ कह सकते हैं कि दिस एस्थिनोसफियर सपोर्ट्स द स्लोली मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये प्लेट्स इसी जो है लो स्ट्रेंथ जोन पे पार्शियली मोल्टन रॉक्स पे फ्लोट करती हैं ओके
लिथोसफियर है, क्रस्टल प्लेट जिनको भी दूसरा नाम भी देते हैं, या टेक्टोनिक प्लेट्स, दे एक्चुअली रेस्ट ऑन दिस पार्शली मोल्टन वीक जोन जिसको हम कहेंगे, हैविंग नो स्ट्रेंथ, ओके, जहाँ पर वाला जो पार्शली मोल्टन स्टेट में है, इसी लिथोसफियर पे फ्लोट करती हैं, ओके। और नेक्स्ट जो ये आउटर रिजिड सॉलिड लेयर है, दिस वन, जिसकी थिकनेस, जिसमें क्रस्ट भी आता है, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, मेंटल के कुछ कुछ पार्ट जिसको हम कहेंगे, एस्टेनोसफियर से ऊपर जो भी थिन रिजिड लेयर है, थिन लेयर है या थिन पार्ट है, बाकी तो क्रस्ट का ही आता है, उसको हम कहते हैं लिथोसफियर, ओके। लिथोसफियर कंप्राइज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल भी हम कह सकते हैं। सो लिथोसफियर, इट्स थिकनेस इज अबाउट 100 किलोमीटर, जो आउटर रिजिड 100 किलोमीटर्स में जो रिजिड रॉक लेयर है जिसमें क्रस्ट भी आता है, ओके, कॉन्टिनेंटल ओशन क्रस्ट, सब लोअर अपर प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, और मेंटल का कुछ रॉक्स जो कि एस्टेनोसफियर से ऊपर हैं, इनकी टोटल थिकनेस जो 100 किलोमीटर बनती है, इसी को हम लिथोसफियर कहते हैं। सो लिथोसफियर फ्लोट्स ऑन द पार्शियली मोल्टन रॉक्स और पार्शियल ऑन वीक जोन, विच इज़ नोन एज एस्टेनोसफियर, इसीलिए ये प्लेट्स फिर जो है फ्लोट करते हैं और फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, स्लाइडिंग फास्ट ईच अदर। सो दिस इज अबाउट दिस मेंटल सेकेंड मोस्ट रिजिड लेयर ऑफ द अर्थ, ओके, विच इज डें इन विच रॉक्स आर डेंसर कम्पेयर टू द अपर क्रस्टल रॉक्स, दैट वाई वेलोसिटी ऑफ दिस पी एंड वेव गेट्स इंक्रीज, एंड बिकॉज डेंसिटी इज हायर, प्रेशर इज हायर, सो वेलोसिटी इसलिए इंक्रीज हो जाती है, इलास्टिसिटी भी चेंज होती है रॉक्स में विद इन दिस मेंटल, इन द अपर पार्ट्स ऑफ द मेंटल फ्राम अबाउट 100 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर, देयर इज अ पार्शियली मोल्टन रॉक जोन विच इज एस्टेनोसफियर, ऑन विच फ्लोट इज द आउटर रिजिड लेयर ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर थिकनेस, विच इज नोन एज लिथोसफियर। So this is all about mental. Next time I'm core.